हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे बोर्ड, आरपीएससी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आठ के तीन लगातार गुणजों का योग 8888 है, तो तीनों गुणजों का ज्ञात कीजिए। तीनों गुणज ज्ञात करना है दोस्तों। कभी भी ऐसी अगर संख्या आपके सामने आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे? एक किसी शॉर्टकट ट्रिक है, तीन गुणज पहले आप मानेंगे फिर हल करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है, तीन गुणजों का योग, जो गुणज लगातार है, गुणज कैसे लगातार होने चाहिए और है किसके? आठ के, ये भी ध्यान रखना है। आठ के हो सकते हैं, पांच के, किसी भी एक संख्या के हो सकते हैं। कितने हैं? 888। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, 888 है इसके अंदर किसका भाग लगाना है? तीन का, क्योंकि तीन का योग हो रहा है तो तीन का भाग लगा दो, ठीक है दोस्तों। तो आपके बीच का गुणज प्राप्त हो जाएगा, बीच का गुणज प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे होगा, तीन दूनी छः, दो बच्चे 28, तीन हम 27, एक बच्चा 18, तीन छम 18, यानी कि 296। ये तो बीच का एक गुणज प्राप्त हो गया। अब इसमें से आठ घटा दें तो पीछे वाला गुणज प्राप्त हो जाएगा और आठ जोड़ेंगे तो अगला वाला गुणज प्राप्त हो जाएगा। आठ घटा है तो उधर लिया, 16 में से आठ गया तो आठ बचे, यहाँ बचे आठ और यहाँ बचे दो, 288। अगला गुणज इसमें आठ जोड़ दें, है ना, तो आठ ने छ, आठ और छ कितना होगा? 14 के 4 हासिल आए 1, 9 ने 10 की 0 हासिल आए 3, 2 ने 304। ये इसके तीनों गुणज अपने पास प्राप्त हो गए दोस्तों, ठीक है। अब आपको कैसे भी पूछ ले प्रश्न में कि बीच का गुणज बताइए तो ये बता सकते हैं, या बड़ा गुणज बताए तो ये बता सकते हैं, छोटा गुणज पूछे तो ये बता सकते हैं, कि देखिए दो का योग बताओ, प्रथम दो का योग बताओ तो बता सकते हैं आप, अंतिम दो का योग बताओ तो बता सकते हैं, वो जैसा पूछे वैसा बता सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना, शॉर्टकट ट्रिक, अभी आठ का कहा उसने तो अपने आठ इसमें घटा लिया और पहला गुणज प्राप्त कर लिया, है ना, फिर अगर आठ जोड़ेंगे तो अगला गुणज प्राप्त हो जाएगा। जैसे पांच के, तीन के, दो, किसी के भी संख्या के गुणज पूछो, पूछ सकता है आपसे। तो बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है, तीन का भाग लगाए बीच का गुणज प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट, किसी भी एक विषम संख्या यदि तीन का पूछा उसने, तीन लगातार गुणज, पांच का पूछ सकता हूं, पांच का योग, सात का योग, नौ का योग, ऐसे भी योग पूछ सकता हूं, ऐसे भी योग आपसे पूछ सकता है। अगर पांच का योग पूछे तो बीच की संख्या आ गई, दो इधर आगे निकालो, दो इधर पीछे निकालो, ऐसे भी अपन हल कर सकते हैं, दो आगे निकालो, दो पीछे निकालो, क्योंकि बीच का अपने प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। हमेशा विषम संख्याओं में सवाल आते हैं और ऐसा अगर क्वेश्चन कोई भी आपके पास फंस जाए तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको हल कर लें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट, अगला, तीन अनुक्रमित संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग 631 है, प्रथम दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब वो कोई क्वेश्चन दोस्तों, अब चाहे तो आप अगर उसको अच्छे सीख गए तो इसको स्टॉप करके यहीं पे इसको सीख हल कर सकते हैं, पूरा आंसर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए आप कमेंट करें तब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो को स्टॉप करें, इसको कमेंट करने की कोशिश करें। देखिए 630 कितनी तीन का योग है, तो 630 तीन का भाग लगाया, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन जीरो, 210 कितना हुआ, ये 210 बीच का आ गया। तो इसे पहले का देखना है, इसे पहले का देखना है तो 209, अगला देखना है तो 211। बस अब अपने क्या पूछा इसने कि प्रथम दो का योग बताए, तो प्रथम दो कौन सी हुई, ये प्रथम दो हुई तो 9 का 9, 1 का 1, 2 2 4, 419, दो का योग पूछा तो कितना हुआ 419, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। कितने आसानी से सीख गए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसानी से अपने सवाल को
सीख गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो सवाल हमारे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन पे प्रेस भी जरूर कर ले, ताकि उसकी सूचना भी आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए अगला, दो संख्याओं का योग 9, यदि संख्या यदि अंकों को पलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 3 गुनी हो जाएगी। मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। अब ऐसे सवाल कैसे हल करेंगे दोस्तों? ऐसे सवाल हल करने के दोस्तों ऑप्शन से ही सवाल हल करने की कोशिश करें, ऑप्शन पे अपन जाए तो सीधा सवाल हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 9, दो संख्याओं एक संख्या 4 एक संख्या 5 है, उनका योग कितना होता है? 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहां 4 + 5 देखते हैं, 9 तो हो गया, ये ट्रिक तो पास हो रही है अपनी। अब कह रहा है कि नई संख्या अंक को पलट दिया जाए, अब इसे अंक को पलटे, ये 45 है तो अपन अंक को कैसे पलटेंगे? देखिए यहां अंक को पलटेंगे, ये 5 4 कितना हो गया? 54 हो गया। 5 इकाई पे ले लिया, 5 ढाई पे ले लिया, और 4 को इकाई पे ले लिया। अब इसमें क्या करा अपने? 9 जोड़ा, कितना होगा? 9 4 13 3 8 1 5 9 67 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसकी मूल संख्या, ये जो नई संख्या है ये इस मूल संख्या की तिगुनी हो जाए। अब 45 से तिगुनी तो ये हो नहीं रही है, दुगुनी भी नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करते हैं, 54 वाला चेक करते हैं, 5 + 4 = 9 तो हो रहे हैं, इसको उलट गुणित करते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस 9 करते हैं तो 54 हो रहे हैं। तो फिर भी संख्या उसके आगे नहीं हो रही है, तिगुनी नहीं हो रही है। 27 को लेके चेक करते थे कि 2 + 7 = 9 हो रहे हैं, अब इसको चेक करते हैं, 7 2 + 9 तो 9 2 11 1 7 1 8 81, इसको चेक करते हैं, देखिए इनका योग 9 हो रहा है, और 27 ये 81 बन रहे हैं, 27 2 54 27 3 81 तिगुनी हो रही है, 3 गुनी 27 3 81 तो तिगुनी भी हो रही है, अंक पलटने पर तिगुनी भी हो रही है, तिगुनी और अंक पलट के 9 जोड़ने पर तिगुनी हो रही है। क्या हो रही? 3 गुनी वो हो रही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों? सी वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, 27 अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला, दो संख्याओं का योग कितना है? 75, उनके वर्गों का अंतर 1500 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है, संख्या है मतलब x + y = कितना है? 75, और उनके वर्गों का अंतर, वर्ग जैसे कि x ये वर्ग है माइनस y का वर्ग, ये कितना है? 1500। अब दोस्तों आपको मालूम पड़ रहा है सीधा सा सवाल, सूत्र याद होने चाहिए, x² - y² क्या होता है? x² - y² होता है x + y और x - y, ये दो सूत्र होते हैं दोस्तों। अब अपन यहाँ पे जो x + y है और x - y है, इस संख्या में इस संख्या भाग दे दे, y का भाग दे दे, तो इसके बराबर कितना है? 1500, और इसके बराबर 75, इसके मान कितना है? 75, इसके बराबर कितना है? 1500। अब x + y से x + y कट गया, बचा क्या है? x - y, तो यही तो चाहिए अपनों को दोस्तों, दोनों का अंतर ही तो चाहिए, अंतर ही तो चाहिए। अब इसका काट दे, इसको 15 = 15, 15 × 5 = 75, 5 से काटा 5 × 10 = 20 आए, 20, तो उनका अंतर कितना हो दोस्तों? 20 हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया अपना? बी ऑप्शन अपना राइट हो गया, बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, बाय।